में है, देखिए। बोर्ड साफ हो रहे हैं, हमने साफ कर लिया है। और ये हमारी फॉल सीलिंग है, इसमें देखिए ये हॉल है। ये पोर्च, ये हमारा बेडरूम, ये हमारा पूजा घर, ये हमारा दूसरा बेडरूम है, देख सकते हैं आप। हमें लाइटिंग करना है। ये हमारा किचन और ये हमारा लेट बाथ, ठीक है दोस्तों। हम चलाएंगे हेवल्स के लिए। हेवल्स है हमारे पास क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। अभी लॉकडाउन के कारण हमने अलग अलग वायर जो जहाँ व्यवस्था हुई वो ले ली है, ठीक है दोस्तों। हम ये अर्थिंग के लिए हरा टायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और 1 mm में हम ये ले रहे हैं इन्वर्टर के लिए हेवल्स का। ये 2.5 mm में ये न्यूट्रल जाएगा और ये हमारा फेज जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे एंकर के वायर हैं 1 mm जो कि हम हाफ खींचेंगे और ये हमारा न्यूट्रल जाएगा। हम इतने वायर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें लगेंगे कम से कम 1 mm के 8 bundles हाफ के लिए, और न्यूट्रल के लिए लगेंगे हमको 6 bundles। और सर्किट के लिए हम यहाँ ले रहे 1500 square feet का 4 room में, सब रूम के अलग अलग सर्किट खींचना दोस्तों। तो हम लेंगे इनमें 3 bundles 2.5 mm के जो कि हमें सर्किट के लगेंगे, ठीक है। 3 bundles ये लेंगे हम 2.5 mm के रैक के, 3 bundles ये लेंगे, 3 × 6 bundles हो गए दोस्तों। 3 bundles न्यूट्रल अर्थिंग के लिए लेंगे ये, ठीक है। फेस न्यूट्रल अर्थिंग न्यूट्रल और इन्वर्टर ये होगा 3×3×6×9×12 bundles 12 और 6 18 18 और 8 18 और 8 हो जाएंगे दोस्तों। 26 bundles समथिंग हमें यहाँ पर लगेंगे, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको अगर वायरिंग सीखना है तो लास्ट तक वीडियो देखना ज़रूर पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखें, वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि दोस्तों काम कैसा लगा। अगर कुछ गलतियाँ हो तो हम ज़रूर सुधारेंगे, आप बताइएगा ज़रूर। ये बोर्ड से हमें लूप करना है, उठा के लाएंगे हम ये वाले बोर्ड में। ये है बोर्ड, इसमें लेके आना है। ये सर्किट हम खींच के वो वाले बोर्ड पे ले जाएंगे, वो दिख रहा है बोर्ड वहाँ से, यहाँ पे हमने डाल दिया। बाकी बच्चों वाले वायर को उधर खींच लेना है और इनको बटन मार के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें निशान लगा लेते ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, तो हमने इसमें कट का निशान लगा लिया, ये देख सकते हैं।
सेटिंग कर देंगे ऐसे। बाकी बचे आए आपको खींचते हुए हम लाएंगे ये डब्बे में, ये डब्बे से ले जाएंगे हम ये बोर्ड में, ठीक है दोस्तों। ये जाए खींच के हम ये पूरा सर्किट इधर खींच लेंगे। अब इसका नाप लगा लेते हैं, अब उधर से स्प्रिंग डालेंगे हम, ये बोर्ड में आएगी। देखिए ये अभी हमारी इस तरह से अब हम सर्किट खींच लेंगे। ये हमारा सर्किट यहाँ पे आ गया, ये हमारा सर्किट आ गया। अब हम इसको इधर खींच लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ से हम न्यूट्रल खींच लेंगे, न्यूट्रल खींच लो वहाँ से पतला वाला। ये हमारे यहाँ की सर्किट कंप्लीट। अब एक वहाँ की खींचना है और एक यहाँ की खींचना है हमें। आइए डालते हैं स्प्रिंग डालते हैं। ये हमारा सर्किट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीनों न्यूट्रल को लूप कर देते हैं, देखिए ताकि इधर उधर न जाए। और रेड वाला काट देते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम बाद में टेप मार देंगे अभी, हाँ गठन मार के छोड़ देते हैं उसको। अभी हम फ्रेम प्लेट लगाएंगे, जब उसको कर देंगे यहाँ तो हो गया। अभी ये वाला सर्किट हमें इस बोर्ड का, इसके लिए हमें उस तरफ से गुजारना पड़ेगा। ये देख सकते हैं ये रूम हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा सर्किट आया, यहाँ से उठा इधर गया, यहाँ से उठाया हमने सर्किट फैन बॉक्स में से, देख सकते हैं। वहाँ से उठाते हुए हमने इस बोर्ड में ले आएंगे। हमारी ये डीप लाइट लग गई, फैन लग गया, डीप लाइट लग गई, एक लाइट ये लग गया, ट्यूब लाइट ये लग गया। और दोस्तों एक लाइट हम यहाँ लगा देंगे,